इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के किनारे बसे एक हवाना नाम के शहर को देखते हैं, जहाँ के लोग बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। शाम का समय होता है, इसलिए शहर में काफी चहल पहल होती है। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसका नाम आंद्रेस होता है। आंद्रेस एक सिंगर होता है और उसके पास में बीवो नाम का एक छोटा सा बंदर होता है। बीवो बहुत ही क्यूट होता है। बीवो और आंद्रेस हर शाम को शहर के चौराहे पर अपना शो करते हैं। बीवो बहुत ही अच्छा ड्रम बजाता है। इसके बाद में दोनों गाना गाते हैं। इनके गाने को शहर के लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। बीवो गाते हुए बताता है कि वो जब पहली बार हवाना में आया था, तब उसके पीछे कुछ डॉग्स लगे हुए थे, लेकिन आंद्रेस ने उन डॉग्स से मेरी रक्षा की और मुझे अपने घर पर रखा। अब शो खत्म होने के बाद में बीवो और आंद्रेस बैठ कर के मैंगो खा रहे होते हैं। तभी उनके पास में एक आदमी आता है और वो आंद्रेस को एक लेटर देता है। जब आंद्रेस लेटर खोलता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि लेटर आंद्रेस की पुरानी दोस्त मार्था का होता है, जो कि सालों पहले ही चली गई थी, क्योंकि सालों पहले मार्था और आंद्रेस एक साथ में गवाना में ही रहती थी। मार्था ने लेटर में लिखा होता है कि वो अब सिंगिंग से रिटायर होने वाली है, इसलिए वो अपना आखिरी शो मायावी के गवाना में करने वाली है। इसलिए वो चाहती है कि आंद्रेस एक बार आकर के उस शो में अपना गाना गाए। लेटर पढ़ करके आंद्रेस बहुत ही खुश होता है। मार्था के लेटर के बारे में जब शहर के लोगों को पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। वो आंद्रेस से मार्था के शो में जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन बीवो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो सबसे कहता है कि हम गवाना छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बीवो की बातों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता। अब घर आकर के आंद्रेस बीवो को अपना पुराना सामान दिखाते हैं, जिसमें आंद्रेस और मार्था की जवानी वाले फोटो होते हैं, जिन्हें देख करके बीवो कहता है कि मुझे नहीं पता था बूढ़े तुम भी जवान थे। इसके बाद में आंद्रेस बीवो को बताता है कि वो मार्था से प्यार करता था, लेकिन वो कभी मार्था को प्रपोज नहीं कर सका। लेकिन एक दिन शो खत्म होने के बाद जब वो मार्था को प्रपोज करने गया, तब मुझे पता चला कि मार्था को एक बड़े शो का ऑफर मिला है, इसलिए मैंने मार्था को प्रपोज नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मार्था का भविष्य मेरी वजह से खराब हो जाए। इसके बाद में मार्था हमेशा के लिए गवाना से चली गई, और उसके जाने के बाद मैंने एक गाना लिखा जो मैं मार्था को सुनाना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों मायावी के गवाना जाएंगे। लेकिन बीवो कहीं नहीं जाना चाहता। वो आंद्रेस से गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्दी बीवो को एहसास होता है कि आंद्रेस को भी उसका प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि आंद्रेस ने बीवो को बहुत ही प्यार किया होता है। अब अगली सुबह बीवो मायावी जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आंद्रेस अभी तक सोकर नहीं उठे होते। जब बीवो आंद्रेस का हाथ पकड़ता है तो वो डर जाता है, क्योंकि आंद्रेस मर चुके होते हैं। इससे बीवो बहुत ही उदास हो जाता है। तभी आंद्रेस का लिखा हुआ गाना हवा में उड़ जाता है। बीवो किसी तरह से उस गाने को पकड़ लेता है। अब शाम को शहर के सभी लोग आंद्रेस की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। वहाँ पर आंद्रेस की रिश्तेदार आई होती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम गेवी होता है। वो बीवो से कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे दादू के दोस्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ फ्लोरिडा चलो, लेकिन बीवो गेवी को इग्नोर कर देता है। सबके जाने के बाद में बीवो आंद्रेस को फूल चढ़ाता है। वो फैसला करता है कि वो आंद्रेस का लिखा गाना मार्था तक जरूर पहुँचाएगा। इसके बाद में बीवो चुपके से गेवी के सामान में जाकर छिप जाता है और वो गेवी के साथ में उसके घर फ्लोरिडा पहुंच जाता है। अब बीवो बैग से चैन खोल करके निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी पूछ चैन में फंस जाती है, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है। इसी बीच में गेवी की मॉम उसे एक कॉस्ट्यूम देती हैं और उसे उसके दोस्तों के साथ कुकी बेचने जाने को कहती हैं, लेकिन गेवी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने दादू आंद्रेस की तरह एक सिंगर बनना चाहती है। इसके बाद में बीवो बैग को धक्का दे करके लुढ़काने लगता है। गेवी बैग को चलता देख करके डर जाती है। तभी बीवो बैग को लुढ़काते हुए गेवी के रूम में पहुंच जाता है। गेवी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद में गेवी हिम्मत करके बैग को खोल देती है और उसमें से बीवो निकलता है। वो बीवो को देख करके बहुत खुश होती है और उसे अपने हाथों में उठा करके गाना गाने लगती है। ये सब देख करके बीवो घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि गेवी पागल लड़की है। बीवो गेवी से परेशान होकर के घर से भाग जाता है। वहीं गेवी को मार्था का लिखा हुआ वो लेटर मिल जाता है, जिसे मार्था ने आंद्रेस को भेजा था। वहीं बीवो मायावी जाने वाली बस में चढ़ जाता है, लेकिन बस में लोग बीवो को देख करके डर जाते हैं, जिसके बाद में ड्राइवर बीवो को बस से बाहर निकाल देता है। तभी बीवो के पीछे एक खतरनाक डॉग पड़ जाता है। बीवो उससे बचने के लिए फिर से गेवी के घर आ जाता है। गेवी बीवो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें मार्था के पास जाना है। तभी बीवो गेवी को आंद्रेस का लिखा गाना देती है, जिसे पढ़कर के गेवी समझ जाती है कि बीवो इस गाने को मार्था तक पहुंचाना चाहता है। जब गेवी उस गाने को पूरा पढ़ती है तो उसे वो गाना बहुत ही अच्छा लगता है। अब गेवी फैसला करती है कि वो बीवो को मार्था तक जरूर पहुंचाएगी। इससे बीवो बहुत खुश होता है।
इसके बाद में गेवी अपनी माँ से मार्था के शो में जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है, जिससे गेवी उदास हो जाती है। इसके बाद गेवी अकेले ही मार्था के शो में जाने का फैसला करती है और वो मायावी जाने वाली एक बस की टिकट बुक कर देती है और अगली सुबह बीबो को लेकर के बस स्टॉप की तरफ निकल जाती है। तभी गेवी को उसकी दोस्त दिखाई देती है जो कि कुकी बेच रही होती है। गेवी उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेवी को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कुकी बेचने क्यों नहीं आई। तब गेवी बहाना करती है और बीबो को दिखाती है और कहती है कि ये मेरा नया पेट है और मैं इसे ही लेने गई थी। तभी वो लड़कियां गेवी से कहती हैं कि क्या तुमने अपने पेट को वैक्सीन लगवाई है। ये सुनकर के गेवी डर जाती है, वो बहाना बना करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच में गेवी की बस निकल जाती है। तब गेवी साइकिल से बस का पीछा करने लगती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो लड़कियां भी लग जाती हैं क्योंकि वो गेवी से बीबो को लेना चाहती हैं और उसकी वैक्सीनेशन कराना चाहती हैं। गेवी बस का पीछा करते हुए एक पुल पर आ जाती है। तभी पुल का फाटक खुल जाता है और गेवी बीबो के साथ में एक सैंड से भरे हुए शिप पर जाकर के गिर जाती है। अब वो लड़कियां गेवी का पीछा करने के लिए बोट से जाने की सोचती हैं। वहीं गेवी और बीबो सैंड बोट पर पड़े हुए टूटे फूटे सामान से एक राफ्ट बना लेते हैं और दोनों मायावी के लिए निकल जाते हैं। वहीं गेवी की मदर को पता चल जाता है कि गेवी मायावी गई हुई है और वो गेवी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब गेवी और बीबो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन बीबो को जंगल के डरावनी आवाजों से डर लग रहा होता है। तब दोनों मिलकर के गाना गाते हैं। इसी बीच में जंगल में भारी बारिश होने लगती है और वहां पर तूफान आ जाता है, जिससे बीबो और गेवी अलग अलग हो जाते हैं और गेवी के पास में आंद्रेस का लिखा हुआ गाना भी होता है। अब बीबो गेवी को ढूंढने लगता है और वो एक पेड़ पर चढ़ करके गेवी को आवाज देने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी बीबो पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो पैदल ही जंगल में निकल जाता है। तभी बीबो को एक वर्ड मिलता है जिसका नाम करीनो होता है। बीबो करीनो से मदद मांगता है, लेकिन करीनो खुद ही परेशान होता है क्योंकि वर्ड का मेटिंग सीजन चल रहा होता है, लेकिन करीनो ने अब तक कोई भी फीमेल पार्टनर नहीं बनाई होती। तब बीबो करीनो की मदद करता है और वो करीनो को फीमेल वर्ड को इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। करीनो बीबो की मदद से एक वर्ड वेलेंटीना को इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद में करीनो वेलेंटीना के साथ में प्यार के गाने गाते हुए उड़ जाता है। वो बीबो को भूल गया होता है। बीबो ये देख करके बहुत गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं, जो कि आंद्रेस का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसे अब तक आंद्रेस की मौत की खबर नहीं होती है। इसके बाद हम गेवी को देखते हैं, जो कि बोट पर बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तो वो आंद्रेस का गाना ढूंढने लगती है, लेकिन उसे गाना नहीं मिलता। तभी वहां पर गेवी की दोस्त बोट लेकर के आ जाती है। उनके पास में आंद्रेस का लिखा हुआ गाना भी होता है। वो गेवी से कहती है कि हमें पता है कि तुम्हें इस गाने की जरूरत है, लेकिन ये गाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमें बीबो दे दोगी। तब गेवी कहती है कि बीबो उसके पास नहीं है, वो खो गया है। इसके बाद में सब मिलकर के बीबो को ढूंढने लगते हैं। वहीं बीबो परेशान होकर के जंगल में भटक रहा होता है और वो तेज आवाज में गेवी को बुला रहा होता है। तभी उसकी आवाज की वजह से एक सांप उसे आकर के पकड़ लेता है और वो बीबो से कहता है कि ये मेरा जंगल है, तो मैं यहाँ पर शोर नहीं करना चाहिए। तभी वो सांप बीबो को खाने वाला होता है, लेकिन बीबो उससे बच करके भागने लगता है, लेकिन वो सांप भी बीबो का पीछा करने लगता है। बीबो सांप से बचने के लिए एक पेड़ पर जाकर के चढ़ जाता है। वो सांप भी उसका पीछा करते हुए उस पेड़ पर आने लगता है। तभी भी वो उस पेड़ से छलांग लगा देता है। वो सांप भी उसके पीछे पीछे छलांग लगाता है, लेकिन कोई उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है और ये करीनो होता है। करीनो बीबो को अपने ऊपर बिठा लेता है। इसके बाद में करीनो और वेलेंटीना बीबो की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं गेवी और उसके दोस्त बीबो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो सांप उन पर भी अटैक कर देता है। गेवी अपने दोस्तों को लेकर के एक पेड़ की जड़ में जाकर के छिप जाती है। अब सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और चीखने लगते हैं। तभी बीबो उनकी आवाज सुन लेता है, इसलिए वो उनकी मदद के लिए आ जाता है। तभी वो सांप बीबो को देख करके फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस बार बीबो अपनी चालाकी से उस सांप को एक पेड़ में उलझा देता है। इससे सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तब बीबो गेवी से आंद्रेस का लिखा हुआ गाना मांगता है, लेकिन गेवी ने उस गाने को खो दिया होता है। तब सब गाने को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी वो गाना नहीं मिलता, जिससे गेवी और बीबो बहुत उदास हो जाते हैं। अब उनके पास में गाना नहीं होता है, इसलिए वो वापस लौटने लगते हैं। वहीं मार्था को आंद्रेस की मौत की खबर मिल चुकी होती है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत उदास हो जाती है। वहीं गेवी आंद्रेस का लिखा गाना गुनगुना रही होती है क्योंकि उसने उस गाने को पूरा पढ़ लिया था, लेकिन उस गाने का म्यूजिक उसे नहीं पता होता। तभी बीबो गाना सुनकर के उस म्यूजिक को बजाने लगता है क्योंकि उस गाने का म्यूजिक बीबो को पता होता है। इससे दोनों बहुत खुश होते हैं और वो फिर से उस गाने को लिखने लगते हैं।
क्योंकि गे भी गाने के लिरिक्स जानती है और भी वो उसका म्यूजिक। अब गाना फिर से रेडी हो गया होता है, इसलिए वो फिर से मायावी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गेवी की मम उसे ढूंढते हुए मायावी पहुंच गई होती हैं। अब गेवी अपने दोस्तों के साथ में मायावी पहुंच जाती है। वो सब मार्था के शो की तरफ जाने लगते हैं और वहां पहुंच करके वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उनके पास में शो की टिकट्स नहीं होती हैं। तभी वहां पर गेवी की मोम आ जाती हैं और वो गेवी को पकड़ लेती हैं। तभी गेवी बीबो को अकेले ही मार्था के पास भेज देती है। इसके बाद में बीबो गाना लेकर के निकल जाता है और वो किसी तरह से मार्था के रूम को ढूंढ लेता है, जहाँ पर मार्था उदास बैठी होती है और वो आंद्रेस को याद कर रही होती है। तभी बीबो उसके पास जाता है। मार्था बीबो को अचानक देख करके डर जाती है। तभी वो देखती है कि बीबो तो आंद्रेस का पेट है। वो बीबो से कहती है कि तुम इतनी दूर कैसे आई। तब बीबो मार्था को आंद्रेस का लिखा हुआ गाना देता है, जिसे पढ़कर के मार्था को पता चल जाता है कि ये गाना आंद्रेस ने उसके लिए लिखा है और वो गाने को पढ़ करके बहुत खुश होती है। मार्था बीबो से कहती है कि तुम बहुत अच्छे पेट हो, अगर आंद्रेस जिंदा होता तो वो तुम पर बहुत गर्व करता। अब मार्था आंद्रेस का गाना लेकर के स्टेज की तरफ चली जाती है। अब बीबो को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी बीबो को गेवी की याद आती है और वो गेवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं गेवी की मम उसे वापस घर ले जा रही होती हैं। वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। गेवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बीबो को यहाँ पर लेकर आई थी जिससे कि बीबो आंद्रेस का लिखा गाना मार्था तक पहुँचा सके, लेकिन बीबो की मम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि बीबो इतनी दूर नहीं आ सकता। तभी बीबो उनकी गाड़ी के शीशे पर आकर गिरता है। गेवी की मम उसे देख करके गाड़ी रोक लेती है। इसके बाद में बीबो गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो गेवी को देख करके बहुत खुश होता है। गेवी की मम समझ जाती है कि उनकी बेटी सही कह रही थी। अब गेवी की मम बीबो और गेवी के साथ में मार्था के शो में आ जाती हैं, जहाँ पर मार्था आंद्रेस का लिखा हुआ गाना गा रही होती है। बीबो गाने को सुन करके बहुत खुश होता है। अब शो खत्म होने के बाद में बीबो गेवी और उसकी मोम के साथ उनके घर पर आ जाता है और उन्हीं के साथ में रहने लगता है। अब गेवी और बीबो मिलकर के फ्लोरिडा में अपने सिंगिंग शो करते हैं और वो आंद्रेस के लिखे हुए गानों को पूरे फ्लोरिडा में सुनाने लगते हैं और इन सब में मार्था भी उनके साथ होती है। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको ऐसी ही मूवी का एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप एंड स्क्रीन पर लगे वीडियोज को देख सकते हैं।